हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल समसेरी ब्यूटी हब। मैं हूं दरक्षा। आज मैं लेकर आई हूं एक फेस टोनर का रिव्यू एंड फुल डेमो शेयर करने वाली हूं। आप देख सकते हैं, ये है प्रोडक्ट, फ्लिक्स ब्रांड का है, ये जामुन फ्लेवर टोनर है। इस ब्रांड का मैं और भी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर की हूँ तो मुझे अच्छा लगा है यूज कर। मेरे स्किन पे ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, काफ़ी अच्छे से सूट कर गया है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं, ये है आउटर पैकेजिंग, कुछ इस टाइप का है। ये जामुन फ्लेवर टोनर है, ये फ्रूटी टोनर, 2% सैलिसिलिक एसिड, जिंक, पीसीए, नायसिनामाइन, फ्लिक्स ब्रांड नेम है ये, द प्लांट फिक्स, फॉर ऑयली एंड एक्नी प्रोन स्किन के लिए प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका ये मैन्युफैक्चर दिया है, इसका 3/2024 का है, 2/2026 में एक्सपायर करेगा। एमआरपी है इसका 425 रुपये का है ये। नेट वॉल्यूम इसमें 150 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलता है। ये है इनर पैकिंग, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इसका पैकिंग है, काफ़ी अच्छा है ये पैकिंग इसका। इसके बॉटल पे भी आपको सारा कुछ मेंशन किया गया है इस पर। तो ये ऊपर वाला आपके पास नहीं भी है तो आप इसमें नो सिलिकन, नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो एडेड एनिमल एक्सट्रेस, अल्कोहल फ्री है प्रोडक्ट, डर्मेटोलॉजिक टेस्टेड है, हार्मफुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। तो देखिए, आप इसको इसके वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं, आप इसको नायका से भी ले सकते हैं। मैं नायका से परचेज की थी, वहाँ पर मुझे 50% ऑफ मिला है। नायका पर भी आपको ऑरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। पैकिंग की बात करूँ तो पैकिंग काफ़ी अच्छा है प्रोडक्ट का। तो इसमें लॉक अनलॉक यहाँ पे दिया हुआ है, इस टाइप से आप करेंगे तो लॉक हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ अच्छा है इसमें कि आप इसे ट्रैवलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट बिल्कुल भी इसमें से लीक नहीं करेगा। तो इसका स्प्रे भी ना काफ़ी सॉफ्ट है, ईजी स्प्रे होता है, हार्ड नहीं है बिल्कुल, हल्का सा इस तरीके से दबाएंगे तो आपको स्प्रे बहुत ही अच्छे से हो जाता है। चलिए अब मैं आपको फेस पर अप्लाई कर दिखाती हूँ। तो देखिए, फेस पर अप्लाई करना इजी है, आप इसे डेली यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग एंड नाइट स्किन केयर रूटीन में आप इसे यूज कर सकते हैं। एवरीडे यूज प्रोडक्ट है ये, तो यूज करने से पहले अच्छे से बॉटल को शेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं फेस वॉश कर आई हूँ और कुछ अप्लाई नहीं की हूँ। फेस वॉश के बाद टोनर ही अप्लाई करती हूँ, तो इस टाइप से स्प्रे करूँगी। आप इसे स्प्रे भी कर सकते हैं, कॉटन पर लेकर भी आप फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको स्प्रे कर दिखा रही हूँ। तो इस टाइप से पूरे फेस नेक में अच्छे से स्प्रे कर लूँगी। स्प्रे करने के बाद रहने दूँगी इसे डैप डैप कर, थोड़ी देर में ये अच्छे से ड्राई हो जाता है फेस में। तो इसके रिज़ल्ट की बात करूँ तो ऐसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं मेरे फेस पे, बट जैसा इसमें मेंशन है, एक्नी प्रोन एंड ऑयली स्किन के लिए। तो मेरी स्किन एक्नी वाली नहीं है, तो आप देख भी सकते हो मेरे फेस पे बिल्कुल भी एक्नी का प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एक्नी होता भी नहीं है। कभी कदार गर्मी की वजह से होता है, बट ऐसे मुझे एक्नी की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको परचेज की थी ऑयली स्किन की वजह से, मेरी स्किन ऑयली है, अभी मॉनसून वेदर है तो बहुत ज़्यादा ही ऑयली हो रहा है, इस वजह से मैं इसको ली थी। बट अभी क्या हुआ ना कि मैं इसको यूज कर रही हूँ डे टाइम में, तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ऑयली हो जाता है मेरी स्किन पे, इतना ज़्यादा ऑयली हो जाता है, बहुत ही हैवी फील होने लगता है। तो मैं अभी इसको परचेज कर ली हूँ, तो मैं इसको नाइट में ही यूज कर रही हूँ, बट मुझे ये ऑयली स्किन के लिए भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है। मुझे यूज़ कर ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा है, ओके प्रोडक्ट है ये, लेकिन मुझे यूज कर ऐसा लगा कि ये ड्राई स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा ही ये मॉइस्चराइज कर देता है, बहुत ज़्यादा आपकी ऑयली स्किन है तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी, थोड़ा ज़्यादा ही हैवी लगने लगता है। डे टाइम में मेरी स्किन थोड़ी डल हो जाती है इसकी वजह से, तो मैं इसे नाइट में यूज कर ख़त्म कर दूँगी, बट इसे मैं रीपर्चेज नहीं करना चाहूँगी। आप लोग इसे यूज किए हैं तो आप लोगों को क्या रिज़ल्ट मिला है, आप लोग भी कॉमेंट में शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यही है मेरा आज का ऑनिस्ट रिव्यू, आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आज के वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।